महिलाओं को एक संदेश दीजिए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज 13 मार्च 2023 को हम लोग महिला जागरूकता सम्मेलन कर रहे हैं आदिवासी जनपरिषद महिला मोर्चा के तत्वाधान में। हम यही संदेश देना चाहते हैं महिलाओं को, खासकर महिला पढ़े लिखे और सामाजिक और राजनीतिक कार्यों से आगे आएं। इसलिए यदि समाज आगे बढ़ेगा, यदि महिला आगे आएंगी, तो सरकार के जो योजनाएं हैं, सरकार के जो नीति सिद्धांत हैं, उसको जागरूकता होते हुए आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आज भी महिला घर पर रह करके कोई मुद्दे को नहीं जानते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, राजनीतिक क्षेत्र में क्या हो रहा है, सामाजिक क्षेत्र में क्या हो रहा है, राज्य और देश में हमारे हितों में कानून लागू हो रहा है कि नहीं। ये संदेश हम ही देना चाहते हैं कि आगे आकर के इस सब बातों को रखें। आज सबसे बड़ा खूबसूरती की बात है कि मैं सम्मेलन में शामिल होने आया था और इन्होंने 2-3 बिंदु पर प्रस्ताव लिया है। पहला ये है कि 50% आरक्षित विधानसभा और लोकसभा में देने का इन्होंने मांग किया। दूसरी है कि एक आदि महिलाओं को विकास के लिए महिलाओं के विकास के लिए एक महिला विकास आयोग का भी गठन होना चाहिए। दूसरी बात, आप कभी भी अब जाते हैं कोई क्षेत्र में कोई कार्यालय में, सरकारी कार्यालय में, तो देखते हैं कि सब एक ही जगह काम होता है। तो हम चाहते हैं, प्रस्ताव आया है कि महिलाओं के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के साथ काम हो। यदि किसी को जाति प्रमाण पत्र चाहिए तो उसके लिए अलग व्यवस्था होना चाहिए। तो यही मांग है। तो हम यही अपील करना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, आइए मिलजुल करके महिलाओं को सम्मान दें, क्योंकि महिला का सम्मान से ही पुरुष का सम्मान होगा और महिला ही तो उत्पत्ति किया है सभी मनुष्यों को, है ना। इसलिए इनकी सशक्तिकरण से ही समाज प्रभुत बनेगा, सशक्तिकरण होगा। आदिवासी जनपरिषद अध्यक्ष प्रेम साहिब मुंडा।